वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को लोकसभा में बजट पेश किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट नए भारत के आत्मनिर्भर को उजागर करने वाला बजट है। बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएगा, साथ ही साथ युवाओं को कई मौके देने का काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट के दिल में गांव और किसान है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे बजट कम ही देखने को मिलते हैं, जिसकी शुरुआत में अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। तो पीएम मोदी ने आम बजट की सराहना करते हुए कहा कि इस बजट की तारीफ जो है विशेषज्ञों ने भी की है। ये बजट जो है विकास और भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। बजट में महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया गया है और साथ ही साथ कहा है कि हर एक वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है और बजट में हर एक तबके को खास ख्याल रखा गया है, ये कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए खास ध्यान रखा गया है। विशेषज्ञों ने बजट की सराहना की है, ये कहना है पीएम मोदी का। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी इस बजट के जरिए, देश की अर्थव्यवस्था को। आपको बता दें कि कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंची थी, लेकिन इस बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को भी जो है मजबूती मिलेगी और हेल्थ सेक्टर के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान रखे गए हैं। बैंक के घाटों को कम करने की कोशिश की गई है इस बजट के जरिए, साथ ही साथ कृषि की हालत सुधारने के लिए भी अलग से फंड इस बजट में लाया गया है और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता इस बजट में लाने की कोशिश की गई है। तो आपको बता दें कि कोरोना के चलते जो है अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची थी और इस बजट के जरिए अर्थव्यवस्था में भी सुधार की कोशिश पूरी तरह से की जा रही है। बजट में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, ये कहना है पीएम मोदी ने। बजट में महिला से लेकर युवा हर एक वर्ग का खास ख्याल रखा गया है और किसानों के लिए भी जो है मोदी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का। और ये विकास और विश्वास का बजट है, ये कहना है पीएम मोदी का। भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है। तो आपको बता दें कि हिमाचल के सीएम ने भी इस बजट की तारीफ की है, स्वागत किया है। वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर उनकी टीम को बधाई दी है। आपको बता दें कि इस बजट में हर एक तबके का खास ख्याल रखा गया है, पीएम मोदी का यह कहना। बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा जोर दिया गया है, हर एक क्षेत्र में हर एक तबके का खास ख्याल रखा गया है, महिला से लेकर युवा और बुजुर्ग हर एक तबके का खास ख्याल रखा गया है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक हर वर्ग का समावेश भी है। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस पर बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किन है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। ये बजट देश के हर क्षेत्र में
विकास यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है।